कर्माणि संगम्यत्वा करोति यः नित्यतेन च पापे भयो पद्पथे विभाम च। अरे मेरी बात सुनो, उधर जाओ कि अच्छा चीज नमस्कार भैया, सब ठीक तो है? क्या है इसमें? क्या कुछ मेरे लिए है क्या? जरा पढ़ के तो सुनाइए। टू बी हैंड वेन एट टेल टेक भैया, जरा जोर से पढ़ के सुनाइए। प्राण निकलने तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए। वाह 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 वाह, पहे पहरे फना में जल दिया रब लास बिस्मिल की। अरे ये भूखी मछलियां है जो हरे शमशेर का दिल की। जरा सोच समझ कर फूकना, जरा ए दागे नकामी कि बहुत से घर है आबाद इस उजड़े हुए दिल के। पोल्ट्री नंबर दो में सुबेर की वार्ड खोल दिया जाए। उनसे कहिए कि उनके माता पिता उनको मिलने को आए। पंडित जी, आपके माता पिता आपसे मिलने आए हैं। क्या? 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 मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए हैं? पिताजी आए हैं, माँ आई है। पिताजी माँ, पिताजी माँ, पिताजी पिताजी प्रणाम। पिताजी ठीक हूँ पिताजी, प्रणाम माँ जी। माँ मैं ठीक हूँ। माँ वे आपका कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन वाला पाठ कभी नहीं भूलूंगा। मां कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने तू जैसे वीर देशभक्त को जन्म दिया। हेलो हेलो, धन्य है मेरे बेटे, तू धन्य है। माँ मैं आपके दर्शन कैसे करूंगा? माँ कैसे करूंगा? मैं तो सोच रही थी कि मेरा बेटा एक वीर देशभक्त है जिसके नाम से अंग्रेजी सरकार हर थर कांपती है, परंतु तू तो मौत से डरता है। अरे माँ ये आंसू, अरे आंसू तो मृत्यु के भय के नहीं। माँ ये आंसू मृत्यु के भय के नहीं है। माँ ये आंसू तो तेरी मोह के है। माँ तेरी मोह के है। अरे मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल कपड़ा ही तो बदलना है,
ऐसे वस्त्रों में फिर से धारण कर इस भारतवर्ष में फिर से जन्म लूंगा और इस मातृभूमि को उन अंग्रेजों की गुलामी की भेड़ियों से आजाद कराऊंगा मां, आजाद कराऊंगा। विलय का समय खत्म हुआ है, भाषण बंद करो। प्रणाम मां, प्रणाम पिताजी।